और सभी को हमारे YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत है। अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा, तो आज हम ये भी पढ़ेंगे क्या है भारतीय संविधान का आर्टिकल 262। आर्टिकल 262 में बोला गया जो अंतरराज्यीय है, इंटर स्टेट रिवर है, अंतर्राष्ट्रीय नदियाँ या दोनों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णयवान है ना। तो इनका जो अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट नदियाँ हैं, रिवर हैं, दोनों हैं, उनका जो न्याय होगा वो कौन करेगा, कैसे होगा, ये सब बता दिया गया कहाँ, आर्टिकल 262 में। अब माना कि क्या दिक्कत आ सकती है, जैसे कोई तुम्हारा कसड़ा रिवर है मान लो महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से होके निकला है। अब वहाँ पर डिसाइड ये नहीं हो पा रहा कि महाराष्ट्र वाले पूरा पानी बांध बना के रोक ले रहे हैं कि अब कर्नाटक आंध्र प्रदेश जाने ही नहीं देंगे, पानी लौट जा रहे हैं पानी में बांध बना के खुद ही, तब दिक्कत आती है। तब क्या होगा कि ये संसद निर्णय करेगी किसके अंतर्गत, आर्टिकल 262 के अंतर्गत। सीधा सीधा बोला गया है, क्या बोला गया है, संसद निर्णय लेगा। कब लेगा, जब कृष्णा रिवर जो नदी है तुम्हारी महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरी है, और उस पर पानी का कितना कौन लेगा, ये सब कानून जो नहीं बना है और ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तब क्या होगा, संसद कानून के तहत बताएगी कौन कितना पानी लेगा, है ना। फिर सेकंड ऑप्शन में क्या है, सुप्रीम कोर्ट या दूसरा कोई कोर्ट जो संसद कानून के तहत बता सकती है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, ये कहता है आर्टिकल 262 चैनल को। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लें, धन्यवाद।